हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। तो देखिए, मलेशिया आइज इंडिया टू बूस्ट टूरिज्म वाया रुस्टिक होम स्टे। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस आर्टिकल, वी मस्ट नो द लोकेशन ऑफ मलेशिया। सो वेयर इज मलेशिया विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया? सो लेट्स सी इट। दिस इज आर इंडिया, मेरा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया, थाईलैंड आ गया, और फिर यहाँ पे नीचे में आप देखिए, ये आपका मलेशिया। तो बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, यहाँ पे अंडमान सी, ये अंडमान निकोबार है अपना, ये अंडमान सी है। अंडमान सी के निधर में आपको दिख रहा है। और इंडिया के विथ रिस्पेक्ट आप देखिए, ये ईस्ट लोके ईस्ट में आ जाता है, ईस्ट में। तो चलिए देखते हैं। मलेशिया एक आइलैंड है, और वो एक नहीं है, एक तरीके से दो है, ठीक है। देखिए कैसे, ये हम लोग ऊपर देख रहे हैं, ये मलेशिया है, ठीक है। ये मलेशिया का एक अलग पार्ट है, तो ये है आपका वेस्ट मलेशिया, ये है आपका ईस्ट मलेशिया। कुआलालंपुर मलेशिया का कैपिटल है, वेस्ट मलेशिया में लोकेटेड है। मलेशिया के नीचे में आप देखिए, सिंगापुर है, ये आपका इंडोनेशिया है, एक ये आपकी अलग कंट्री ब्रू नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें, इंडिया, अंडमान निकोबार, यहाँ पे बांग्लादेश आ जा रहा है, यहाँ पे म्यांमार आ जा रहा है, यहाँ पे थाईलैंड आ जा रहा है, और नीचे में आप देखिए, ये है अपना मलेशिया। ऐसे में यहाँ पे एक ब्रू नहीं है, और यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है। तो सुमात्रा, जावा आइलैंड, यहाँ पे रायू आइलैंड यहाँ पर आ जा रहा है, ये रायू आर्किपेलागो, ठीक है। आप देखिए, ये तो ये हो गया हमारा लोकेशन, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यही ये है। दीज टू आर मलेशिया, वेस्ट मलेशिया, ईस्ट मलेशिया। कैपिटल इज कुआलालंपुर, विच इज लोकेटेड इन दी वेस्ट मलेशिया, एंड इट इज ऑन दी ईस्ट साइड ऑफ दी इंडिया, अंडमान सी एंड इंडियन ओशन, वेस्ट ऑफ द इंडियन ओशन, एंड इट इज टू द साउथ ऑफ द साउथ चाइना सी। तो चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल में क्या है। मलेशिया इज गियरिंग अप टू सेल रूस्टिक होम स्टे टू स्कूल, यूनिवर्सिटीज, वुमेन ग्रुप्स, प्रोफेशनल्स एंड फैमिलीज इन इंडिया। अ टूरिज्म मलेशिया डेलीगेशन मेट स्कूल एंड कॉलेज अथॉरिटीज, कॉर्पोरेट्स, प्रोफेशनल ग्रुप्स एंड ट्रेड बॉडीज इन बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोची, अमृतसर, टू शोकेस द कंट्रीज डाइवर्स रूस्टिक होम स्टे ऑप्शन स्प्रेड अंडर द 212 क्लस्टर अक्रॉस 474 विलेजेस, वेर 3,120 होम स्टे एंटरप्रेन्योर्स आर स्प्रेडिंग द सेक्टर। तो आप देखिए, यहाँ पे ये अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं मलेशिया का, कि आओ रहो, देखो रूस्टिक होम स्टे है हमारे पास, इनके एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। मिस्टर हमदन सेड होम स्टे करेंटली अकाउंट फॉर 5% ऑफ मलेशिया टूरिज्म बिजनेस, वाइल द फॉरेन इनटू इंडिया में हेल्प द कंट्री डबल द शेयर बाय टू 10% बाय 2025। तो ये जो 5% का इसका शेयर है, उसको डबल करना चाह रहे हैं 10%, यहाँ पे जो अपना एडवर्टीजमेंट चल रहा है। फोकस इंडिया चाइना, तो उन लोग का ये एक मोटो होगा, जैसे इंडिया का है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, तो वैसा इनका है फोकस इंडिया चाइना। मलेशिया इज करेंटली एबल टू अट्रैक्ट ओनली 50,000 फॉरेन स्टूडेंट्स, इंडिया एंड चाइना विल बी इट्स फोकस जियोग्राफीज टू ग्रो द सेक्टर कंसिडरेबली, अकॉर्डिंग टू रजीदी एबीडी रहीमन, डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडिया एंड श्रीलंका कॉन्सुलेट जनरल ऑफ मलेशिया, मलेशिया टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड। रोबस्ट एयर कनेक्टिविटी टू इंडिया मेक्स मलेशिया बोयंट टू प्रोस्पेक्ट ऑफ सेलिंग होम स्टे टू इंडियन। देर आर 172 डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन वेरियस इंडियन सिटीज एंड कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मैंने आपको बताया उसका कैपिटल है, कौन से में है, वेस्ट मलेशिया में है कुआलालंपुर। एवरी वीक बिटवीन मलेशियन एयरलाइंस, एयर एशिया, इंडिगो, बतिक एयर विथ द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 35,000। चेन्नई अलोन हैज़ द 35 डायरेक्ट फ्लाइट टू कुआलालंपुर पर वीक। तो हम लोगों ने देखा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब देख लेते हैं हमारे लिए चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले मलेशिया,
इसका आपको लोकेशन जो मैंने आपको बता दिया लोकेशन क्या है। सेकंड, उनका रूस्टिक होम स्टे प्लान ये क्या है, कहाँ फोकस कर रहे हैं, इंडिया और चाइना में इनका फोकस है। अभी उनका ये जो होम स्टे से बिजनेस है 5% है, उसको ग्रो करना चाहते हैं 10%, कब तक, 2025 तक। तो यही चीज़ था, इनका एडवर्टीजमेंट चलता है, शोकेस ऑफ कंट्रीज डाइवर्स रूस्टिक होम स्टे ऑप्शन स्प्रेड अंडर इतना क्लस्टर, ये मतलब जानना चाहिए इतना इनका एडवर्टीजमेंट इंडिया में चल रहा है। टूरिज्म मलेशिया डेलीगेशन इसका नाम है। तो बस हमारे यहाँ पे बहुत सारे फ्लाइट्स हैं, चेन्नई से इतने ज़्यादा फ्लाइट हैं, तो बस इतना ही हमारे लिए जानना था। और लोकेशन ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोकेशन इज दी की, आपको लोकेशन पता होगा, आप आधे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। और ये अगर हम लोग देखें इंडिया के ईस्ट में आ रहा है, तो इंडिया इसमें उन लोग को फेवर करेगा, क्योंकि इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की है, तो कहीं ना कहीं इंडिया उन लोगों को फेवर करेगा। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।